हाय, सो ये वीडियो होगी मेरी ओसाका से टोक्यो के साइकिलिंग ट्रिप की, जो कि मैंने शायद 2017 में करी थी। और इसमें कुछ 600 या 700 किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया था, जिसमें मुझे 6 दिन लग गए थे, जो कि माउंट फूजी होता हुआ जाता है रूट। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे सेकेंड डे को मेरी साइकिल टूट गई थी तो जैपनीज लोग ने हेल्प करी थी। और थर्ड और फोर्थ डे में जैसे मेरे को होटल वोटल नहीं मिले थे और मेरे पास सिर्फ स्लीपिंग बैग था, कैंप नहीं था मेरे पास। तो मैं पार्क में सोया था, एक दिन बारबेक्यू प्लेस में सोया था, तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये वीडियो उसी के बारे में है कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उस जापान में साइकिलिंग का, और किस तरह की सीनरीज होती हैं जापान में एज अ बाइसिकल रूट पे अगर आप जाते हो। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो। तो ये रही वो तिलिस्मी डायरी। अच्छा, ये तो भी स्टिकर है जिससे 7 साल पहले आया था जापान में। ओके, डे वन, 29 अप्रैल 2017। ये डे रहा डे टू, डे थ्री, डे फोर एंड डे फाइव एंड डे सिक्स। तो टोटल 6 दिन लगे थे मुझे ओसाका से टोक्यो जाने के लिए। और ये रहे कुछ होटल के बिल वगैरह, जो कि जहाँ पे मैंने स्टे किया था। तो सबसे पहले तो मेरी ट्रिप की पैकिंग ही बहुत बहुत ख़राब हुई थी। मैं तो नेल कटर भी लेके चला गया था कि 6 दिन में कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। और साइकिल चलाने में जो फिर मेरी हालत ख़राब हुई थी। अभी तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे ढलान पे तो मेरा अगला पहिया ऊपर उठ जा रहा था, क्योंकि वेट कम से कम 20-25 किलो हो गया था बैग का। तो मेरा पहला दिन जो था 29 अप्रैल 2017, इस दिन मैंने 88 किलोमीटर साइकिलिंग करी थी और मुझे 7 से 7 घंटे लग गए थे लगभग। और इस दिन मैं ब्योदोइन होते हुए गया था। ये जो ब्योदोइन टेम्पल है, ये जापान का बहुत फेमस टेम्पल है। और इस टेम्पल की फ़ोटो जो जापान का 10 येन का कॉइन होता है, उसमें ये फ़ोटो इन्होंने लगा रखी है। 10 येन, इसको जापान की चवन्नी मान लो। कुछ खरीद तो सकते नहीं, बस जेब में लगे डोलते रहो। सो अब आते हैं डे टू पे। डे टू में मैंने 133 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था और इसमें मुझे 8 घंटे 20 मिनट लगे थे, 8.5 घंटे। और इस दिन हुआ था स्यापा। तो फर्स्ट डे जहाँ पे मैं रुका था बहुत ही कंट्री साइड एरिया था, वहाँ पे एक भी साइकिलिंग की शॉप नहीं थी। और जब मैं सुबह उठा तो मेरी साइकिल को रखा था पोलियो, और मेरे पास रिपेयर करने के लिए एक भी चीज़ नहीं थी। शुक्र है वहाँ पे जैपनीज कपल रुका हुआ था जिनको साइकिलिंग का एक्सपीरियंस था, तो वो मेरे पास आए, कंडीशन देखी और उन्होंने मेरी साइकिलिंग रिपेयर करी खुद से। और फिर जाते जाते उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया कि बेटे तो टोक्यो तो जा रहा है, अगर ना पहुँचे तो मैं फ़ोन कर देना, तुझे ओसाका छोड़ देंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। सो 20-30 किलोमीटर के बाद एक शॉप मिली, वहाँ पे इसका पोलियो ठीक करवाया मैंने। सो थर्ड डे मैं तोबा में रुका था और वहाँ से मैंने फेरी ली थी 20 किलोमीटर की, और फिर वहाँ से साइकिलिंग करी थी काकेगावा तक, जो 118 किलोमीटर था, और उसमें टाइम लगा था मुझे 7 घंटे 40 मिनट। ये जो एरिया था बहुत ही कोस्टल एरिया था, तो लगभग सारा रूट समुद्र के किनारे ही था, तो साइकिलिंग वॉज फन। तो चौथे दिन मैं काकेगावा से फूची के आसपास तक गया था, जो कि 112 किलोमीटर की साइकिलिंग थी और मुझे 8.5 घंटे लगे थे।
तो फूजी में मैं इन लोगों के साथ रुका हुआ था और ये सारे बैकपैकर्स हैं। वहाँ पे मैं एक लड़के से मिला, 18 साल का लड़का था ये, और ये टोक्यो से क्योतो पैदल जा रहा था, आधा जापानी श्रवण कुमार। तो पांचवें दिन मैंने फूजी से यामानाका लेक तक की साइकिलिंग करी और ये दिन मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे ज़्यादा टायरिंग दिन था। इसमें सिर्फ मैंने 68 किलोमीटर ट्रैवल किया और मुझे इसमें लगे थे 8 घंटे। फिर आधे रास्ते बाद हल्का हल्का फूजी दिखना शुरू हुआ। वैसे तो फूजीसान मैं चढ़ चुका हूँ एक बार, लेकिन दूर से फूजीसान बहुत सुंदर लगता है। ये पिक मेरी फेवरेट है और ये वाली मम्मी की फेवरेट। तो मैं कुछ भी पहले से प्लान करके नहीं चल रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं कितने किलोमीटर कवर कर पाऊँगा, इसलिए मैंने कोई होटल नहीं बुक किए थे। लेकिन जब फूजी पहुँचा तो वहाँ एक भी होटल खाली नहीं था। फिर मैंने पार्क में अपना स्लीपिंग बिस्तर लगाया और वहीं सो गया। सो सिक्स डे मैंने 100 किलोमीटर साइकिलिंग करी थी। ओमोरी हिगाशी में स्टे किया था जो टोक्यो से 10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि टोक्यो महंगा है और मैं बहुत गरीब। जब मैं लौट रहा था तो मेरी स्पीड इतनी तेज़ थी कि मेरे से एक चिड़िया टकराई और मर गई। मजाक कर रहा हूँ, मरी मिली थी, बस मैंने फ़ोटो ले ली। सेवेंथ डे तो मैंने टोक्यो में बस साइकिलिंग करी इधर उधर, और एट्थ डे को मैं वापस आ गया जापान की शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ के। तो जापान के ट्रांसपोर्ट लॉ के हिसाब से आप साइकिल बिना बैग के नहीं ले जा सकते, तो मैंने लौटते हुए फिर से एक गंदी सी पैकिंग करी और ओसाका साइकिल ले आया। तो मैंने 100-200 किलोमीटर की साइकिलिंग कर रखी है जापान में बहुत सारे ट्रिप्स, लेकिन जो मेरा मेन ड्रीम है वो ये करने का है, लेंथ ऑफ जापान, जो कि फुकुओका से शुरू होता है और होक्काइडो पे ख़त्म होता है, जिसकी डिस्टेंस है लगभग 4.5-5 किलोमीटर और जिसको कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 1 या 2 महीने। लेकिन मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा क्योंकि अब नहीं मानेंगे। सो ये वाली वीडियो मेरी यहीं तक है, और अगर यहाँ तक झेल ली हो तो थैंक्स।